दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने किसी ब्राउज़र में जाकर टाइप कर देना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप चैट जीपीटी को टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट शो होंगी। कौन सी वेबसाइट सबसे पहले आपको ऊपर आएगी? ओपन एआई की। तो आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर लिया करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ओपन एआई का लोगो, ओके। और यहाँ पर से आपको चैट जीपीटी का लोगो भी बिल्कुल सेम मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का जो लोगो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको ट्राई चैट जीपीटी का ये बटन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इस वाले पेज को ओपन कर लेना है, ओके। अब इससे पहले मैं इस वाले पेज के बारे में आपको बताऊँ, इससे पहले हम जान लिया करते हैं, अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो आपके लिए यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशंस बनाई हुई है। अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप इस वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप इस वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इसके बाद में आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही हम ट्राई चैट जीपीटी के बटन पर क्लिक कर दिया करते हैं तो हमारे सामने ये दो बटन आएंगे, पहला तो है लॉगिन का और दूसरा है साइनअप का। दोस्तों लॉगिन हमको तब करना है जब हमारा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इस साइनअप के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही हम इस साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में साइनअप फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमको साइनअप फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो हमारी ई मेल आई डी डालनी है और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। ये तो रहा ई मेल आई डी से साइनअप करने का ऑप्शन, पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है कंटिन्यू विद गूगल। आपको सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करके एक क्लिक में लॉगिन कर लीजिएगा, ओके, या फिर साइनअप कर लीजिएगा। एक क्लिक में आप साइनअप कर पाएंगे इस वाले बटन से। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट तो आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से भी साइनअप कर सकते हैं, और एप्पल का अकाउंट है तो एप्पल के अकाउंट से भी साइनअप कर सकते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर तो वो गूगल का है, ओके। तो आप गूगल से साइनअप कर लीजिएगा, ईजिली साइनअप हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने गूगल जो ये चैट जीपीटी है इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चैट जीपीटी का वर्जन हमारा 3.5 है। अगर हम इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमारा अपग्रेड होगा जीपीटी 4 में। तो अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपग्रेड 2+ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर से आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे, ओके दोस्तों। बट हम फ्री में यूज़ करने वाले हैं चैट जीपीटी को। यहाँ पर से हमको यहाँ पर न्यू टेबल लेने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नया टेब ले सकते हैं, और इसके नीचे ही हमको प्रीवियस टेब्स हमारे शो होंगे। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली हम इनको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जीपीटी एक्सप्लेन्ड वाले इस वाले टेब पर क्लिक किया तो यहाँ पर से हमने पूछा था इनसे सवाल इस वाले चैटबॉट से कि आपकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसने अपने जो जीपीटी है उसकी फुल फॉर्म बताई है। चैट की तो हमको पता ही है, साथ ही साथ जीपीटी की आप देख सकते हैं जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमने चैट जीपीटी से ही पूछी और चैट जीपीटी ने हमको इसकी फुल फॉर्म भी बता दी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इसमें से कुछ ही पूछना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये चैट का आइकन या चैट का बॉक्स तो मिल ही जाता है, आप यहाँ पर से कुछ ही पूछ सकते हैं। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो आपकी ईमेल आईडी होती है ना यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स का बटन मिलता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्लियर ऑल चैट्स का। अगर आप अपनी जितनी भी चैट्स उनको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये वाला क्लियर का बटन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे कन्फर्म किया जाएगा कि आप क्या इन सभी चैट्स को डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी चैट्स है वो सारी सारी डिलीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुकी है। तो ये दोस्तों मैंने आपको आज के इस वीडियो में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है हमारे चैट जीपीटी के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस हम चैट जीपीटी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए हमारे इस प्लेलिस्ट में बने रहिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मुलाकात है आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।